मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग रीजनिंग का सिंपलिटी टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके पहले तीन पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री आपका सिंपलिटी में पढ़ चुके हैं। सिंपलिटी में मैंने आप लोगों को जितने भी एग्जाम लाइक क्वेश्चन है मैंने पिछले इसके पिछले वीडियो में पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में बताया हूँ। पार्ट थ्री में मैंने आइदर के बारे में आपको बताया हूँ। ये पार्ट फोर है और आपका पूरा इंक्लूडिंग का लास्ट आपका ये हमारा वीडियो होगा जो कोडेड इंक्लूडिंग है, जो हर एग्जाम में असमानता के ज्ञान जिसमें नहीं होता, असमानता के ज्ञान हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसके पहले आप लोग जो भी स्टूडेंट पहला बार ये वीडियो हमारा देख रहे हैं पार्ट फोर, इसके पहले आप लोग पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री इंक्लूडिंग का तीनों वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आपको इस वीडियो को इसको इसमें क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी लगे। अभी तक जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाए, ताकि आपको नोटिफिकेशन की जानकारी मिले और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं इंक्लूडिंग की ओर। इंक्लूडिंग में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री वीडियो देख कर या पार्ट फोर का वीडियो मेरा देखिए, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ये ऐसा कोडेड इंक्लूडिंग है कि इसमें विद्यार्थी जो होता है बहुत समय लगाता है। समय लगाने के कारण है कि आपको पढ़ेगा पहले विद्यार्थी आपको इसको पढ़ने में समय बर्बाद करेगा, इसके बाद इसके अनुसार चलेगा। लेकिन मैं आपको एक नया तरीका वजह बताऊंगा जिस तरीका से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को चंद सेकंडों में सॉल्व करेंगे। देखा जाए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा सिंबल दिया है उसको हम लोग ग्रेटर देन लेस देन या इक्वल में कन्वर्ट कर लेंगे। पी आपका देखा ये डॉलर आपका क्यू का अर्थ दे रहा है पी डॉलर क्यू, ऐसे खाली एग्जाम की जरूरत होगा नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसे काम कर रहा हूँ। आप देख लेते हैं डॉलर का मतलब, डॉलर का मतलब क्या दे रहा है जी, डॉलर का मतलब कि P या तो बड़ा है या तो बराबर है। डॉलर का मतलब दिया है बड़ा या बराबर, हमने लिख लिया। P कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब दे रहा है, कॉपीराइट का मतलब दे रहा है कि P छोटा है P से, यानी कॉपीराइट मतलब छोटा। इस सिंबल को हम लिख लेंगे कि बार बार इसको पढ़ना ना पड़े। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपका एक आपका इसमें तीन चार क्वेश्चन आएगा, बैंकिंग में वैसे चार पांच क्वेश्चन भी आता है। देखा गया और पी हैच क्यू का अर्थ होता है हैच पी क्यू, पी हैच क्यू का अर्थ होता है पी न तो बड़ा है न तो बड़ा है न तो छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया बराबर होगा, इसका मतलब क्या हो गया बराबर होगा। परसेंटेज का अर्थ क्या दे रहा है, पी या तो छोटा है या बराबर है, परसेंटेज मतलब क्या दिया है छोटा या बराबर, परसेंटेज मतलब। और आपका कॉपीराइट का मतलब विजिबल है, आईडी रेट का मतलब दिया है, आईडी रेट का मतलब क्या देगा पी बड़ा है पी से बड़ा है। ये हम अब हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यही से काम चला लेंगे। बट हम लोग एग्जाम में भी ऐसे काम नहीं करेंगे। एग्जाम में मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ कैसे बनाइएगा इसको, एकदम नया ट्रिक है, नया ट्रिक है। इसी ट्रिक से आप लोग लिख पा लेंगे, इसी ट्रिक से आप लोग बनाइएगा, दिमाग रखिएगा। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन में ऐसा आए कोडेड इक्वलिटी का आप ऐसे बना लीजिएगा और आपका यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल लेस देन और लेस देन इक्वल रखिएगा, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल और यहाँ पर आप इक्वल रखेंगे बीच में। मैंने बताया है कि आपका सिंपल ग्रेटर देन ग्रेटर ग्रेटर
और दूसरी फैमिली में बात करेंगे तो सबसे बड़ा चीज किसका होता है, लेस देन का, तब लेस देन इक्वल, और उसके बाद पार्ट दूसरा किसको देंगे जी, आपका इक्वल का देंगे। तो हम लोग जो भी सिंबल रखे हैं ना वो सिंबल यहाँ पर रख दें, यानी ग्रेटर देन का मतलब क्या है, कॉपी राइट, मैंने कॉपी राइट यहाँ पर रख दिया, यानी ग्रेटर देन यानी कॉपी राइट यहाँ पर देखेंगे इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर है। चले अब हम देख रहे हैं आपका छोटा का चीज दिया है। अब हमारा क्वेश्चन आसानी से बनेगा, नहीं तो हम लोग यहाँ बहुत चीज प्रिंट क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखेगा हाइट तो यहाँ पर बराबर लेके चलेगा, परसेंटेज लेगा, मिनट्स लेगा, तो आपको समय बर्बाद होगा। तो समय ना बर्बाद करके डायरेक्ट हम इसको बनाएंगे, डायरेक्टली बनाएंगे, देखिए जैसे हम बना रहे थे पहले उसी तरह हम लोग बनाएंगे। चलिए देखा जाए, बीस हमको डी जाना है, बी से डी जाने के लिए पहले बी से आपको एस जाना पड़ेगा, एस से आपको जी जाना पड़ेगा, और आपको जी से क्या है कि आपको बी से डी जाना है जी, और जी से आपको एस जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब बी से है, बी से आपको एस जा रहा है, बी से एस जाने पर क्या मिलेगा, कॉपी राइट, बी से एस जाने पर क्या मिल रहा है, कॉपी राइट, और आपका जी आपका बी से एस गया, और एस से जी जाने पर क्या मिल रहा है, परसेंटेज, एस से जी गया तो क्या मिला, परसेंटेज, एस से जी गया परसेंटेज। अब हमको जी से एस जाना है, जी से एस जाना है, बहुत लड़का यहाँ पर गलती होगा कि यहाँ पर हाइस दे देगा, गलती होगा, इसलिए गलती होगा, थोड़ा समझिए, जब ना देखिए मेरा ऐसे होता है बी ग्रेटर देन जी, अब क्या करते हैं बी ग्रेटर देन जी पढ़ते हैं, लेकिन इधर से पढ़ना होगा तो आप क्या पढ़ेंगे, जी लेस देन बी, जी लेस देन बी, ये नहीं कि आपको ग्रेटर देन, इधर से ग्रेटर देन, लेकिन इधर से क्या हो रहा है, लेस देन, और जी क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, समझिए, यहाँ से जी से अगर बी जाएंगे तो आपका सिंबल आपका एच ना होगा, हाइट ना होगा, सिंबल आपका अपोजिट आएगा, पर इसका अपोजिट कुछ नहीं, इसका अपोजिट आपका ये और इसका अपोजिट ये, देखिए ग्रेटर देन का अपोजिट ले देन, और ग्रेटर देन इक्वल का ले देन इक्वल, और बस हम ये है कि एट दी ले का अपोजिट में आपका कॉपी राइट हो जाएगा, और डॉलर का अपोजिट क्या होगा, परसेंटेज, बट इसका अपोजिट आपका नहीं होगा क्योंकि दोनों कॉमन है, तो बस हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ पर हाइट हम लोग लगाएंगे, हाइट यहाँ पर हम लोग रखेंगे। चलो देखा जाए, अब देखते हैं कॉपीराइट परसेंटेज और हाइट में कौन आपका बड़ा है, तो कॉपीराइट यहाँ पर है और हाइट यहाँ पर है, परसेंटेज यहाँ पर है, देखा जाए तो ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल सॉरी लेस लेस देन और लेस देन इक्वल और इक्वल, तीनों बड़ा कौन होता है, लेस देन बड़ा होता है, तीनों बड़ा कौन माने तो क्या है, पहला स्थान होता है लेस देन, और लेस देन के जगह पर क्या है आपको कॉपीराइट, इसमें प्रैक्टिकल किसको देंगे, कॉपीराइट किसको देंगे, कॉपीराइट में बी कॉपीराइट डी, यानी कौन सा पहला आपका निष्कर्ष क्या है जी, सही है, पहला निष्कर्ष आपका सही है। अब दूसरे में बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं आपको डी से एच जाना है, डी से एच, डी से एच जाने के लिए, डी से आपको इस जाने के लिए डी से एच जाना है, डी से पहले जी जाएंगे, डी से जी जाओगे, डी से जी जाओगे तो क्या मिलेगा, हैच मिलेगा, और आपका आपका जी से क्या करेंगे, जी से आपका एच आएगा, जी से एच आने पर आप देख रहे हैं परसेंटेज है, परसेंटेज है, परसेंटेज कैसे मिलेगा, हमारे लिए ग्रेटर देन होता है अगर एच ग्रेटर देन जी होता, लेकिन लेकिन इधर से पढ़ेंगे क्या होगा, लेस देन पढ़ेंगे, अरे परसेंटेज का यहाँ सीन ना देख, क्यों नहीं परसेंटेज सीन देंगे, क्योंकि आपका डी से एच जा रहा है, डी से पहले जी जाएंगे तो ठीक है एच हुआ, लेकिन अब जी से एच आ रहा है तो अपोजिट चल रहा है, तो परसेंटेज का अपोजिट क्या है, परसेंटेज का अपोजिट क्या है, डॉलर, और यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, डॉलर लेके चलेंगे, और यहाँ पर परसेंटेज में आपका क्या होगा, डॉलर होगा। तो अब देखा जाए पर आपका इसमें और इसमें दोनों चीज में बड़ा कौन होगा, पहले कौन आएगा, डॉलर और आपका हैच, तो इक्वल में और इक्वल का है लेस देन,
आपका रिकॉल में और ग्रेटर देन इक्वल में मैंने बताया है कि पहले कौन आया ग्रेटर देन इक्वल एंड चूजा किसको देंगे डॉलर की एंड डॉलर की चिन्ह का सही है एंड यहां पर डॉलर का चिन्ह दिया है मतलब दो नंबर भी सही है एंड इसका आंसर क्या देंगे जी इसका आंसर देंगे दोनों सही है पहला क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे दोनों सही है दोनों सही है इसलिए है इसको जाने के लिए सबसे पहले क्या करें के से बी आएंगे
ए से जब बी आएंगे तो उल्टा चल रहा है, तो परसेंटेज का उल्टा क्या है डॉलर, परसेंटेज यहाँ पर परसेंटेज का उल्टा क्या है डॉलर। चलिए अब बी से जब आर आएंगे, तो बी से जब आर आएंगे, बी से आर आने का क्या ऑपोजिट चल रहे हैं, तो कॉपी राइट रूल का क्या हो गया आई टी रे, आई टी रे कॉपी राइट रूल का क्या आई टी रे। अब देखा जाए डॉलर में और आई टी रे में तुलना करो, डॉलर में आई टी रे में ग्रेटर देन इक्वल में ग्रेटर वाले आ रहे हैं, क्या आना चाहिए ये सिंबल आना चाहिए, सिंबल ये आना चाहिए, बट आपका यहाँ पर क्या आया है एच आया, लिखा सर पहला क्या है आपका गलत है, अब क्या हो गया गलत हो गया। चला जाए आपका सेकेंड नंबर देखा जाए के से आर जाना है, 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 वही चीज आएगी, वही चीज आया मैंने बोला था कि आप देखो वही चीज है सेम चीज है पहला दूसरा है, यानी आपको बोला था मैंने आई टी रे आना चाहिए आई टी रे आया, लिखा सर सेकेंड नंबर सही है, यानी क्या आएगी दोनों क्यों दो सही है। कॉपीराइट और आपका एन से और एन से डी जाएंगे, एन से डी जाएंगे तो परसेंटेज है, एन से डी है परसेंटेज, और आपका डी सी ए से जाएंगे, डी सी ए से जाना पड़ेगा, डी सी जब ए से जाएंगे तो ऑपोजिट हो रहा है, इसका ऑपोजिट क्या हो रहा है दोनों कॉमन है सेम होगा कोई परवाह नहीं पड़ेगा। कॉपीराइट परसेंटेज और हैच क्या होगा बड़ा और कॉपीराइट बड़ा, मैंने कॉपीराइट यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है कॉपीराइट आपका आया है सही है पहला सही है। दूसरा नंबर देखते हैं डी सी एन जाना है, डी सी एन जाने के लिए क्या करेंगे, डी से पहले एम और डी से एम और डी से एम आएंगे परसेंटेज है उल्टा चल रहा है, परसेंटेज उल्टा क्या है डॉलर है, परसेंटेज उल्टा क्या है डॉलर, तो जब आप क्या करेंगे डी से एम आ गया, अब एम से क्या आएंगे एम, एम से एन आएंगे, ये भी ऑपोजिट चल रहा है एम से एन आ रहे हैं। कॉपीराइट उल्टा क्या होगा, कॉपीराइट उल्टा क्या होगा आई टी ए होगा, आई टी ए होगा आई टी ए, तुलना करो डॉलर में आई टी रे में, डॉलर में आई टी रे में पहले कौन आएगा तो आपका आई टी रे है, मैंने आई टी रे है आई टी रे यहाँ पर आया है सही है। अच्छा बात क्या हुआ जी दोनों सही है, अच्छा बात क्या जी दोनों सही है, दोनों सही है ठीक है। आप लोग इसको अच्छी तरह केयर कर लीजिएगा क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपका सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, ऐसे किसी भी एग्जाम में आप जाए तो आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको मैं जल्दी जल्दी खत्म करा दूँ ऐसा बात नहीं है, मैं पूरा मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हमारे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइव क्वेश्चन वगैरह आप देखा है छः सात आठ नौ दस क्वेश्चन देखा है आपका जो आपका सिंबल था आपका यही आपका चीज है देखा जाए। अब आपको बी से ये जाना है भाई क्वेश्चन है सेम आपका कोडिंग कोड है कोड सेम आपका कोड वही है। चलिए आपका बी से आपका ये जाना है और लीजिएस में आपका एक से दस दिया गया एक से दस तक पाँच क्वेश्चन पहले हमने पढ़ लिया है और आपका पाँच क्वेश्चन यहाँ पर है। तो देखा जाए बी से जे जाना है, बी से जे जाने के लिए आपको पहले बी से क्या होना करना पड़ेगा कि बी से आपको के जाना पड़ेगा, बी से के आएंगे देखिए बी से के आ जाए ऑपोजिट चल रहा है तो डॉलर का ऑपोजिट क्या है परसेंटेज, डॉलर का ऑपोजिट क्या है परसेंटेज, मैंने परसेंटेज दे दिया और आपका बी से बी हो गया, बी से आपका छोड़िए बी से के हो गया ऑपोजिट चले और हमारा के से क्या जाना पड़ेगा जी के से जे जाने के लिए क्या होगा ऑपोजिट, के से जी आपका क्या होगा डॉलर, डॉलर आपका क्या दोनों में कॉमन है यहाँ पर क्या होगा डॉलर ही होगा, तो परसेंटेज में और डॉलर की तुलना करेंगे देखिए जो लेस देन इक्वल और इक्वल की तुलना करेंगे पहले क्या आएगा आपका लेस देन इक्वल आएगा मैंने बताया है, यानी क्या आना चाहिए परसेंटेज आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या दे रहा है हाइच दे रहा है गलत है और यहाँ पर देगा बी परसेंटेज जे तो आपका ये सही होता है, बट यहाँ पर आपका क्या दिया हाइच दिया है जिससे गलत है। अब इसमें भी देखते हैं दोनों सेम है ये और ये दोनों सेम है, यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए परसेंटेज होना चाहिए, यानी ये भी गलत है पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, लेकिन देखा जाए दोनों में क्या मैंने बोला आइदर के लिए मैं आइदर का भी केस बनाया हूँ वीडियो
देखेंगे इक्विटी का, उसने बताया हमको, जरूर देख लीजिएगा आप लोग। तो अब दोनों बराबर है, दोनों बराबर हो है आइडल होने की आपकी चांस बनेगा। हम देखते हैं अगर एक और दो को जोड़ते हैं, अगर हम हैच को जोड़ते हैं हैच एंड एक और दो को जोड़ते हैं एक प्लस दो से, ध्यान से देखिए एक और दो से हम देखते हैं हमारा रिजल्ट यहाँ पर क्या बनता है, बन रहा है बोले तो यहाँ पर रिजल्ट मेरा बन रहा है दोनों ही परसेंटेज जी सही होता है, जी परसेंटेज जी 100% सही होता है, सही होता है, यस 100% सही होता है, जी परसेंटेज जी होता है तो 100% सही होता है। अगर हम देखते हैं एक और दो को जोड़ते हैं, एक और दो जोड़ने का मतलब क्या है, हैच को और कॉपीराइट को जोड़ते हैं, हैच हैच मतलब बराबर, कॉपीराइट मतलब क्या है छोटा, और छोटा और बराबर जोड़ेंगे, ध्यान से देखो छोटा और बराबर को जोड़ेंगे, बराबर को जोड़ेंगे आपका रिजल्ट क्या देगा, देखिए तो छोटा और बराबर तो देगा नहीं, और छोटा और बराबर मतलब ने हम क्या दिया है परसेंटेज दिया है, देखा जी मैंने क्या किया, मैंने क्या किया थोड़ा वहां से देखा जाए, मैंने क्या किया हैज, हैज का मतलब बराबर, मैंने बराबर प्लस प्लस आपका कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब क्या है इक्वल, इक्वल बराबर प्लस इक्वल जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, दोनों भी क्या होगा आपका एक और दो को जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा क्या, आपका भी परसेंटेज पर भी आपका लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल मतलब क्या होगा परसेंटेज क्या बनेगा जी, ये रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट ये बनेगा, अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा ये, और ये चीज हमारा 100% सही हो रहा है, कह सकते हैं एक और दो को जोड़ने पर हमारा रिजल्ट हमारा बन जा रहा है, हमारा आंसर जो देंगे वो आंसर देंगे वो क्या होगा, आपका आंसर होगा आइदर एक आइदर ए या और आपका टी से जी जी आएगा, टी से जी देखिए तो आपका ऑपोजिट चल रहा है, टी से जी ऑपोजिट, ऑपोजिट जाएगा तो परसेंटेज का ऑपोजिट क्या है डॉलर, परसेंटेज सी ने परसेंटेज का ऑपोजिट का मतलब क्या दे रहा है डॉलर, और डॉलर ने इसे तुलना करो कॉपीराइट, डॉलर आपका यहां पर है कॉपीराइट, डॉलर यहां पर है और आईटी ने यहां पर है, आईटी ने और डॉलर से तुलना करेंगे, आईटी ने और डॉलर से पहले क्या आएगा डॉलर आएगा, तो आईटी ने आएगा, तो आईटी ने आपका दी आएगा तब आपका सही होता है, निकाल सकते हैं केवल एक सही है, इसका आंसर क्या होगा केवल एक सही है, केवल एक सही है, केवल एक सही है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, टी से एन जाना, देखिए टी से एन जाना, टी से पहले क्यू जाओ, टी से क्यू जाओगे तो क्या मिलेगा आईडी रे, आईडी रे सॉरी टी से जाना है, देखिए टी से क्यू जाना है, टी से एन जाना है, टी से एन जाना है, पर टी से एन जाना है, तो पर टी से किया हो, टी से किया हो तो आएगा तो क्या होगा परसेंटेज, आपको उल्टा परसेंटेज तो उल्टा क्या होगा डॉलर होगा डॉलर, और क्यू से एन आए, क्यू से एन आने का आईटी रे, आईटी रे के आपको उल्टा क्या, आईटी रे उल्टा क्या आ जाता कॉपीराइट, देखिए दोनों उल्टा करते हैं आप डॉलर और कॉपीराइट दोनों क्या होगा, दोनों अलग अलग प्रकार के सदस्य हैं, निकाल सकते जब अलग अलग प्रकार के सदस्य हैं क्या हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक कंडीशन में क्या होता है क्लोज होगा,
मैंने आपको पार्ट टू वीडियो में ब्लॉक के बारे में बताया हूँ, और पार्ट थ्री वीडियो में मैं आपको आयदर के बारे में बताया हूँ। चलिए अब चलते हैं एमसीक्यू। चलिए एमसीक्यू, एम से पहले आएंगे कॉपीराइट, एम से और एमसीक्यू राइट आएंगे आईटी एडेड। तो कॉपीराइट और आईटी एडेड, लेकिन दोनों ये भी क्या हो गया, ये भी दोनों क्या है, ये भी दोनों ब्लॉक हो गया। इस पर सदस्य और इस सदस्य है, दोनों क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ये भी ब्लॉक हो गया। खास करके यहाँ पर क्या हो रहा है, आठ दोनों क्या हो रहा है, दोनों आपका क्या है, गलत है, दोनों क्या होगा, दोनों गलत है, दोनों गलत हो गलत है। लेकिन मैंने ब्लॉक वाले केस में बताया कि ब्लॉक वाले केस में आपका तीनों सिंबल होना चाहिए, तीनों सिंबल को जो आपका ग्रेटर देन भी होना चाहिए, लेस देन भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, तब जाके ब्लॉक के केस में आगे बनता है। ऐसा यहाँ पर है। हम लोग चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए बी से जेड जाना है, बी से जेड और पहले बी से आर जाओ, तो बी से आर जाओ तो क्या होगा, आई डी ने आई डी ने, और आर से जेड जाओ तो क्या होगा, परसेंटेज आर टी ए, यहाँ पर है परसेंटेज, यहाँ पर देखिए और तब भी ब्लॉक हो गया, दोनों पर लाइट से बात है, यहाँ पर भी क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक हो गया तो क्या हो गया, गलत हो गया, माना गलत हो गया। अब ए चले आर चलते हैं, ए चले आर, ए चले आर चलेंगे, ए चले आर दिखाएंगे, ए चले आर, तो पहले ए चले पहले जेड आओ, उल्टा चल रहा है, कॉपीराइट उल्टा क्या हो गया, आपको आर टी ए आ गया, कॉपीराइट उल्टा क्या हो गया, आर टी ए। अब जे से आर आना है, एक उल्टा चल रहा है, जेड से आर आ रहा है, तब भी उल्टा चल रहा है, परसेंटेज उल्टा क्या हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज क्या हो गया, डॉलर हो गया। इसमें आपका देखिए आई टी ए और डॉलर में, आई टी ए और डॉलर कितना करेंगे, पहले कौन आएगा, पहले आपको क्या आएगा, आई टी ए आएगा, तो खास करके दूसरा नंबर क्या है, सही है। इसका आंसर क्या होगा, ये वो दो सही है, इसका आंसर क्या होगा कि ये वो दो सही है, देख लीजिए ये वो दो सही है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। डाउन से ये आना है, डाउन से पहले टी आओ, डाउन से टी आने के लिए क्या हो, पोजिट चल रहे हो, पर डॉलर का पोजिट क्या हो, परसेंटेज हो रहा है, डॉलर का पोजिट परसेंटेज, और आपको जाना है आपको टी, टी से आपको ये जाएंगे, टी से जाएंगे तो क्या होगा, परसेंटेज दिया है परसेंटेज, और एन से जाएंगे तो क्या होगा, हैश दिया, हैश दिया, हैश दिया है, तो परसेंटेज में हाई की तुलना करेंगे, परसेंटेज में हाई की तुलना करेंगे, पहले कौन आएगा, परसेंटेज, पहले परसेंटेज आएगा, पहला नंबर क्या है, सही है, पहला नंबर क्या है, सही है। चलो दूसरा नंबर चलते हैं, ए से टी जाना है, ए से टी, ए से टी जाने के लिए पहले क्या करेंगे, ए से एन आएंगे, ए से एन आने के लिए क्या करेंगे, ए से एन आने के लिए सब आपको उल्टा चलना पड़ेगा, तो दोनों कॉमन है, तो आपका हाई से उल्टा और हाई से हो गया इसमें। चलिए और एन से आपको क्या होना है, एन से आपको टी आना है, परसेंटेज उल्टा क्या होगा, परसेंटेज उल्टा क्या होगा, आपका डॉलर होगा, डॉलर में और हैश में तुलना करेंगे, यानी ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर में तुलना करेंगे, इक्वल तुलना करेंगे तो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल आना चाहिए, यानी डॉलर आना चाहिए, डॉलर आपका आया ही, यानी पास करते हैं यहाँ पर क्या आ गई, दोनों सही है, दोनों सही है, यहाँ पर आंसर क्या देंगे, दोनों सही है। बता लीजिए ठीक है, हमारा इक्विटी का टॉपिक खत्म हो गया। आप इसको पूरा अच्छा से प्रैक्टिस करिएगा, और कल से हमारा मैथ का टॉपिक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, कल से हम लोग मैथ पढ़ेंगे ठीक है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा ठीक है। ओके, take care.